नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पर हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि डाक बंगला चौराहा किस तरीके से यहां पर भीड़ इकट्ठा है। पूरी तरीके से इसको जाम कर दिया गया है। आवागमन यहां पर पूरी तरीके से बाधित हो गया है। आज वाम दलों और जाप का बिहार बंद का आह्वान था और इसको लेकर भारी संख्या में जाप के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में माले, इसके अलावा VIP और जो हम पार्टी है उसके भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पूरी तरीके से जो यातायात था वो बाधित हो चुका है, उसको रोक दिया गया है पूरी तरीके से। और जमकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर वाटर कैनन को भी लाया गया है और यहाँ जमकर नारेबाजी फिलहाल चल रही है और संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच प्रशासन का ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा क्योंकि इससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हुआ है। इस दौरान पप्पू यादव यहाँ पर अपने हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर पहुँचे और उनके साथ भारी संख्या में उनका समर्थक पहुँचे हैं, वो भी अभी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप फिलहाल डाक बंगला चौराहे की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से स्थितियाँ हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पार्टी के भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, VIP का भी झंडा दिख रहा है, माले के झंडा दिख रहा है, जाप का भी झंडा दिख रहा है और यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इस बंद के को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो आज बिहार बंद की जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे की है, जहाँ पर जो तमाम विरोधी दल हैं वो एक तो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, ऊपर से जिस तरीके से NRC हो या CAA हो उसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ जाप का ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार महिलाओं छात्राओं और बेटियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार मौन है और दूसरी तरफ वो NRC और CAA को लागू कर रही है, जो मूलभूत मांगे हैं उसको नहीं सुना जा रहा है बल्कि दूसरी तरफ तमाम वो काम किया जा रहा है जिसकी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें ज़रा देखिए। तो आपने अभी तस्वीरें डाक बंगला चौराहे के देखे, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आपको लगातार न्यूज़ 111 दिखा रहा है और तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। बन रहा हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।